बंगाल में काजी नजरुल इस्लाम के बारे में बात करना बंगाल की संस्कृति के बारे में बात करना है। नजरुल गीति के नाम से मशहूर उनके गीत हर जगह आज भी उसी तरह से याद किए जाते हैं, उसी तरह से बजते हैं जैसे बंगाल की आत्मा में बसा है रविंद्र संगीत। गाता हूँ साम्यता का गान, जहाँ आकर एक हो गए सब बाधा व्यवधान, जहाँ मिल रहे हैं हिंदू बौद्ध मुस्लिम ईसाई। गाता हूँ साम्यता का गान। तुम कौन? पारसी, जैन, यहूदी, संथाली, भील, गारो, कन्फ्यूशियस, चारवाक्य के चेले, कहते जाओ, कहो और बंधु जितने खुश हो जाओ, पेट पीठ कांधे मगज में जो मर्जी पांडुलिपि व किताबें ढो, कुरान पुराण वेद वेदांत बाइबल त्रिपिटक जेदावस्ता ग्रंथ साहब पढ़ते जाओ जितनी मर्जी, किंतु क्यों ये व्यर्थ परिश्रम मगज में हंते हो शूल, दुकान में क्यों यह दर मोल भाव, पथ में खिलते हैं ताजा फूल, तुम में है सभी किताब सभी काल का ज्ञान, सभी शास्त्र ढूंढ सकोगे सखा, सभी शास्त्र ढूंढ सकोगे सखा, खोल कर देखो निज प्राण, तुम में है सभी धर्म सभी युगावतार, तुम्हारा हृदय विश्व देवालय सभी देवताओं का, क्यों ढूंढते फिरते हो देवता ठाकुर मृत पांडुलिपि कंकाल में, हंसते हैं वे अमृत हिया के निभृत अंतराल में। बहुत दिलचस्प शख्सियत थे काजी नजरुल इस्लाम। जिस तरह से हिंदू मुसलमान के बीच दूरी नफरत फैलाने की कोशिश इस समय हो रही है, इसके ठीक उलट प्रेम का एक गहरा आवेग नजरुल की गीतों में मिलता है, उनकी रचनाओं में मिलता है। वे दार्शनिक थे, वे योद्धा थे, वे कवि थे, वे विचारक थे और बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि भी हैं। भारत में भी उन्हें बहुत गहरा सम्मान मिला है। बंधु नहीं कहा झूठ, यहाँ आकर लूट जाते हैं सभी राजमुकुट, यह हृदय ही है, यह हृदय ही है वह नीलांचल काशी मथुरा वृंदावन बोधगया, यही जेरूसलम, यही मदीना काबा भवन मस्जिद, यही मंदिर, यही गिरजा, यही हृदय, यही बैठ ईसा मूसा ने पाया सत्य का परिचय, इसी रणभूमि में बांसुरी के किशोर ने गाई महागीता, इसी मैदान में भेड़ों का चरवाहा हुआ नबी खुदा का मीता, इसी हृदय के ध्यान गुफा में बैठ शाक्य मुनि त्यागा राज्य मानव के महावेदना की पुकार सुनी, इसी कंदरा में अरब दुलाल सुनते थे आह्वान, यहीं बैठ गाया उन्होंने कुरान का साम गान, मिथ्या नहीं सुना भाई, इस हृदय से बड़ा कोई मंदिर काबा नहीं। मेरे पीछे जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, वह बंगाल की पहचान है, वह है नजरुल इस्लाम की मूर्ति। ये हल्दिया में बनी हुई है। नजरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश दोनों में एक ही ढंग से उन्हें प्यार मिला, सम्मान मिला और ये जिंदा हैं अपनी 4000 से अधिक रचनाओं के जरिए। इन्हें विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता है। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और सेना में काम करने के साथ साथ कविता में संस्कृति में ज़बरदस्त काम किया।
इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की वह कड़ी पिरोई बंगाल में, जो आज भी उसी तरह से अटूट है। जब हम चुनाव यात्रा में निकले हैं, उस समय बंगाल में कवि नजरुल इस्लाम को याद करना, रविन्द्रनाथ टैगोर को याद करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शायद इनके सपनों का जो बंगाल और भारत है, वह इस समय बहुत तगड़ा दांव पे लगा हुआ है। Thank you.